कलामी मुकदस में से ज़बूर की किताब और उसका जबूर नंबर एक सौ सैतालीस हम पढ़ेंगे खुदावन की हम करो क्योंकि खुदा की मदसराई करना भला है इसलिए ये दिल पसंद और साइाइश के ज़ेबा है खुदावन यरूशलेम को तामीर करता है वो इसराइल के जलावतनों को जमा करता है वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्म बांधता है वो स्तारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है हमारा खुदावन बजुर्ग और कुदरत में अजीम है उसके फहम की इंतहा नहीं खुदावन हलीमों को संभालता है वो शरीरों को फन, खाक में मिला देता है खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ स्तार पर हमारे खुदा की मदद राय करो जो आसमान को बादलों से मुलभ करता है जो ज़मीन के लिए मीह तैयार करता है जो पहाड़ों पर घास उगाता है जो हैवान को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है खुदावंद उनसे खुश हैं जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं एरूशलम खुदावंद की स्त कर ए अपने खुदा की स्त कर क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंडों को मजबूत किया है उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है वो तेरी हदूद में अमन रखता है वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूँ से असुदा करता है वो अपना हुक्म ज़मीन पर भेजता है उसका कलाम नहाय तेज रो है वो बर्फ़ को ऊन की माने गिराता है और पाले को राख की माने बखेरता है वो यह को लुकमों की माने फेंकता है उसकी ठंड कौन सह सकता है वो अपना कलाम नाजिल करके उनको पिघला देता है वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है वो अपना कलाम यकूब पर जाहिर करता है और अपने आयन अहकाम इसराइल पर उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना खुदावन की हम करो खुदावन का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो